silver glove with a silver ball into it. And niche likha hua hai, world's best wicketkeeper. विदेशी दौरों पर भारतीय टीम में हमेशा एक रिजर्व विकेटकीपर होता था। पहले तो ये दौरे 3-4 महीने लंबे चलते थे। अधिकारियों का मानना था कि एक युवा खिलाड़ी को रिजर्व्स में रखकर, साइड गेम्स में खिलाकर ना ही मुख्य विकेटकीपर को समय समय पर आराम करने का मौका मिल सकता है, बल्कि युवा रिजर्व विकेटकीपर को अनुभव पाने का अवसर भी मिल सकता है। इस प्रकार सैयद किरमानी 1971 और 74 के इंग्लैंड दौरों पर फारूक इंजीनियर के डेप्यूटी बने, और जब इंजीनियर का करियर समाप्त हुआ तो किरमानी उनकी जगह लेने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। मेरी उम्र कुछ 10 या 11 साल की थी, तो जयमहल एक्सटेंशन जहां पे वालिद साहब को गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिले थे, पूरे वहाँ के दादा जैसा एक उदय शेट्टी बोल के थे, जो डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट बन गए वो, उन्होंने बहुत ही बड़े शौकीन थे क्रिकेट के, और उन्होंने एक टीम कायम की। सबसे छोटा था मैं उस टीम में, तो ये खुद ब खुद अपने आप को कैप्टन बना लिए उदय शेट्टी। अब विकेटकीपर कौन होएगा, तो बीइंग द यंगेस्ट उस टीम का, चलो पीछे खड़ो और रोको। कॉर्क बॉल को कैसे रोकूं मैं, ना पीछे ना कुछ है। अभी लेफ्ट राइट देखा, वहाँ पे ईंटों का ढेर लगा हुआ था, घर बनने के लिए ईंटें पड़े हुए थे। अरे बेस्ट, एक ईंट उठा लिया और कॉर्क बॉल को रोकने लग गया मैं। अरे अब लेफ्ट साइड पे जब आएगा तो वहाँ पे कैसे रोकूं मैं, ऐसे रोकूं नहीं, और एक एक ईंट उठा ली मैंने, दो ईंट आ गए हाथ में, तो मेरे पहले ग्लव्स जो थे ना वो ईंट थे। '74 में आई वॉज द ओनली वन अलॉन्ग विथ फारूक इंजीनियर, तो 9 मैचेस, काउंटी मैचेस आई प्लेड एट ए स्ट्रेच। फारूक वॉज ओनली मेंट फॉर द टेस्ट गेम्स। Kirmani was like a flowing river, you know. He was as smooth as river, and I mean, he made it look very easy. Even a difficult catch, you know, the other keepers, they might dive and take the catch, or you know, they do something very attractive, you know, to the spectators. But you know, Kiri made it look too easy. 1970 के दशक के अंत तक किरमानी ने ये सिद्ध कर दिया कि वो दुनिया के सबसे अच्छे विकेट कीपर्स में से एक थे। वो गिने चुने भारतीय खिलाड़ियों में से थे जिनको केरी पैकर ने विद्रोही वर्ल्ड सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया में खेलने का निमंत्रण दिया था। सनी एंड मायसेल्फ वर ऑफर्ड बाय द केरी पैकर। ऑलराइट, दे पब्लिश्ड अ फोटोग्राफ आल्सो व्हेन बोथ ऑफ अस वर टॉकिंग टू पैकर, केरी पैकर। तो वो लेके उड़ गए लोग, और चिन्नस्वामी वाज द सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ही वाज वेरी एडमेंट, ही वाज द प्रेसिडेंट आई थिंक, ही सेड यू गाइस यू प्ले for Packer, you will be banned from Indian cricket. हालांकि किरमानी ने ये ऑफर ठुकरा दिया था, लेकिन फिर भी चयनकर्ताओं ने उन्हें 1979 के इंग्लैंड दौरे और विश्व कप के लिए नहीं चुना। वानखड़े पे कोई हमारा कैंप चल रहा था या कुछ ऐसे ही था, तो मैं उतर के सीढ़ियों पे से आ रहा था, तो विशी ऊपर आ रहे थे, एंड ही न्यू द टीम। उसने मेरे को लपटा पहले और रोने लग गया। अरे क्या, अरे भाई क्यों रो रहा है यार विशी, काहे को रो रहा है तू? तो उसने कहा कि आई एम सॉरी, उसकी आवाज़ नहीं निकल रही है, मगर वो भरी हुई जो आवाज़ थी आंसुओं से, उसने कहा कि यू आर नॉट इन द टीम। आई बोल के आई वॉज आई गॉट ए शॉक ऑफ माई लाइफ। किरमानी को ये बात खलती रही, उनका प्रदर्शन अच्छा रहा था और उन्हें यकीन था कि वो टीम में बरकरार रहेंगे। आई वॉज ड्रॉप लाइक ए हॉट ब्रिक For no fault of mine. एक उम्दा विकेट कीपर को बाहर रखना मुश्किल है। किरमानी ने भारतीय टीम में जबरदस्त वापसी की। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध उन्होंने बतौर नाइट वॉचमैन आते हुए एक शतकीय पारी खेली और अपनी योग्यता फिर से साबित करने में कामयाब रहे। 1983 के विश्व कप की जीत में
सैयद किरमानी ने एक निर्णायक भूमिका अदा की। किरमानी को प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर घोषित किया गया। द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई करियर वॉज विनिंग द वर्ल्ड कप, और दूसरा पर्सनल जो मेरा जो मुझे अवार्ड दिया गया, ड्रेसिंग रूम में आए गॉडफ्रे एवंस, सबसे महान विकेटकीपर सारी दुनिया के माने जा रहे थे वो। गॉडफ्रे मेरे को एक ज़बरदस्त सिल्वर ग्लव विद अ सिल्वर बॉल इन टू इट एंड नीचे लिखा हुआ है वर्ल्ड्स बेस्ट विकेटकीपर अवार्ड 1983। जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ, अवेलेबल अक्रॉस ऑल डिवाइसेस।